दोस्तों ये हमारे PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्जन का वर्जन 2.4 और भाई ब्रांड न्यू रॉयल पास यहाँ पे M21 का आ चुका है। लेकिन यार मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ ओपन नहीं हो रहा, फिर मुझे दिमाग में याद आया कि भाई यार मैंने तो इसको अपडेट ही नहीं किया, तो भाई यार मैं तो इसको अपडेट कर लेता हूँ और रॉयल पास को भी अब ओपन करूंगा और परचेज भी करेंगे। लेकिन भाई अगर आपने अपडेट नहीं किया तो किस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपडेट कर सकते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। नए हो तो क्या करना है पता ही है, सब्सक्राइब लाइक कर देना। चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस देखो यार अपडेट करने के लिए आपको बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियो मिल जाएंगे, इसको यहाँ से मेरे लिंक से कर दो वहाँ से कर दो। लेकिन गाइस यार हर कोई भी लिंक जो है सेफ नहीं रहता, किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक करने से पहले दो बार सोच ले क्योंकि भाई आपके फोन पे भाई आप रिस्क में डाल सकते हो। ठीक है तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सीधा ही जो ग्लोबल वर्जन का प्ले स्टोर है मतलब कि ऐप स्टोर वहीं से आपको इसको कैसे अपडेट करना है सिर्फ वन क्लिक पे वो दिखाने वाला हूं। आपने नाम तो सुना होगा टैप टैप, जो कि एक चाइनीज ग्लोबल जो है वो इसका ऐप स्टोर है। लेकिन आपको बस अपडेट कर लेना अगर आपके पास पहले से है, और नहीं है तो एक बार इंस्टॉल करके अपडेट करो, उसके बाद उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है वो आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना और सर्च करना है टैप टैप पबजी ग्लोबल, जैसा कि मैंने लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के आपको सर्च कर देना। सबसे पहला ही यहां पे लिंक आ जाएगा, देख सकते हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल करके, और ये टैप टैप की तरफ से होगा। यहां पे आके आप चेक कर सकते हैं, यहां पे पबजी ग्लोबल मेंशनड है। और यहां पे अगर आपके पास टैप टैप पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप ऐप को डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहां मेरे पास ऑलरेडी है इंस्टॉल, तो मैं क्या करूंगा यहां पे ओपन ऐप करूंगा, नीचे लिखा है, तो मैं सीधा इस ऐप के अंदर आ जाऊंगा। और यहां पे गाइस आप नीचे देख पाएंगे अपडेट का या फिर इंस्टॉल का या फिर डाउनलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने शुरू कर दिया था डाउनलोड करना पहले से ही, तो अभी बस मुझे इसको वापस से रिज्यूम करना और ये डाउनलोड होता चला जाएगा। उसके बाद जो प्रोसेस है सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करके चलाना रहेगा। ऑलराइट गाइस फाइनली हमारा अपडेट डाउनलोड हो चुका, और डाउनलोड होने के बाद भाई हमको सिर्फ इसको इंस्टॉल कर रहा था जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया, और बहुत ही तेजी से इंस्टॉल होने के बाद अपडेट हो चुका है। गाइस जैसे आप गेम को ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे अपडेट होंगे, तो वो अपडेट होने में कुछ टाइम लग सकता है, आपको बस वेट करना है। और हो सके तो भाई अपने फ्रेंड का वाईफाई ट्राई करना, क्योंकि भाई इतना नेट अगर आपके फ़ोन में ना हो तो वो आप ट्राई भी कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे गाइस गेम ओपन होते टाइम अगर आपको कोई भी एरर शो कर जाता है, वैसे मेरे केस में हुआ नहीं, लेकिन अगर आपको कोई भी एरर शो कर जाता है तो आपको बस सिंपली VPN को कनेक्ट करना है, और उसके बाद वापस से गेम को वैसे ही स्टार्ट करना है तो वो एरर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद VPN को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, और गाइस फाइनली उसके बाद हमारा गेम अपडेट हो जाएगा, और गाइस आप उसके बाद रॉयल पास का मजा ले सकते हैं बड़े आराम से, और भाई रॉयल पास को अपग्रेड भी कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्जन हो या फिर कोरियन वर्जन, आपको बस UC परचेज करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना है @thegamexclear, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, सिंपली आप मुझे मैसेज करो आपको कितने UC चाहिए मुझे बताओ। और भाई ये वाला रॉयल पास मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, बस मेरे अकाउंट में UC नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर UC भी ऐड करता हूं और रॉयल पास भी अपग्रेड करता हूं, तो आप देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो। और भाई अभी तक यार काफ़ी सारे लोगों ने अपग्रेड कर लिया होगा, और भाई बहुत सारे मुझे मैसेज भी आ रहे हैं अभी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।